दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2023 आज के लव राशि फल के बारे में, लेकिन उससे पूर्व आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और एक विशेष सभी उन लोगों के लिए संदेश रहेगा जिनका नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का 1100 रुपये वाला पाठ है। उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो उन लोगों के लिए धैर्य रखना, क्योंकि बहुत सारे पाठ हैं। आपने बुकिंग, आपको लगता होगा कि आपने जल्दी करा ली है, लेकिन आप फिर भी लेट होंगे। आप देखेंगे कि आपका पाठ थोड़ा लेट होगा, हो सकता है पंचमी षष्ठी, या हो सकता है आपका पहले दिन ही हो जाए। तो जितना जल्दी आपने पहले बुकिंग कराई होगी उतना ही जल्दी आपका पाठ होगा। तो नौमी तक आप कोई मैसेज मत कीजिएगा, और जो भी नियम हैं, शाकाहारी रहना है, लहसुन प्याज इत्यादि अगर ना खाएं तो बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ व्रत उपवास रह सकें तो बहुत अच्छा है। और जो नियम आपको बताए हैं कई वीडियोस में वो आप देखिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर अनेक अनेक वीडियो डाल रहे हैं जिसमें आपको नियम बता रहे हैं। तो विशेष एक वीडियो डाली है जिसमें 3 नियम हैं, उन नियमों का पालन जरूर करना है आपको 9 दिन। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का लव राशिफल। सबसे पहले वो नए दर्शक जो हमारे राशिफल को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा तुला राशि के रहेंगे, चित्रा नक्षत्र के रहेंगे, किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। आज का उपाय जानेंगे, आज आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, उससे पूर्व जानेंगे आज का लव टिप्स। आज के उपाय में विशेष आपको बहुत ही खास बात बताएंगे, ये उपाय क्या है। नवरात्रि के पहले दिन 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराना, उसका पूजन करना, उसे वस्त्र देना, दक्षिणा देना, इसका विशेष महत्व है। तो 2 वर्ष की कन्या, 2 वर्ष 2.5 वर्ष, मतलब 3 की नहीं होनी चाहिए, 2 से 2.5 के बीच में या 2 से 3 के बीच में हो, उसका 3 वर्ष पूरा ना हुआ हो, उस कन्या को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, वस्त्र दें, उसका पूजन करें, तिलक करें, पैर धोएं। अगर आप ऐसा सत्कार करते हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और बहुत ज़्यादा इससे आपके अंदर, आपके घर परिवार में मंगल ही मंगल होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी का विकास होगा। आप ये उपाय के रूप में कर सकते हैं और रोजाना ऐसा ही उपाय आपको हम बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो पहले नवरात्रि के दिन आप व्रत रहें या न रहें, लेकिन आपको ये उपाय जरूर करना है। विशेष निवेदन ये रहेगा कि नवरात्रि में आप अपने घर के आसपास में अगर कोई मंदिर है माता रानी का, छोटा है बड़ा है, अगर वहाँ गंदगी है तो उसे सफाई करवाइए या करिए, अपने हाथों से करिए, बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलता है। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका लव राशि फल। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आप किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है आज आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल जाए, कोई मैरिज के लिए प्रपोज कर दे, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी लव लाइफ में रहेंगी। लव लाइफ में पार्टनर आपको शादी से रिलेटेड बातें बहुत करने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको उससे वो खुशी मिलने वाली है, एक अलग ही अनुभूति होने वाली है, बहुत सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। लव लाइफ में हो सकता है कि आज के दिन पार्टनर के साथ में आप कोई बड़ी प्लानिंग करें या कोई बड़ा निर्णय आप पार्टनर के साथ मिलकर लें। नो कांटेक्ट में हैं तो आज का दिन थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी बहस बहुत होगी और जितना ही रिश्ता सुधारना चाहेंगे, फिर से चीज़ें ठीक करना चाहेंगे, उतना ही और बिगड़ जाएंगी। मैरिड लाइफ में सामंजस्य बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दिन तो पूरे दिन मतभेद रहेंगे, एक दूसरे की बातें बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, इस वजह से ज़रूरी है सामंजस्य बनाए, एडजस्ट करने की आज बहुत ज़रूरत पड़ेगी, कई जगह समझौते एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय कराने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्थितियाँ रहने वाली हैं। हो सकता है पार्टनर के साथ में आप कहीं दूर यात्रा पर जाएं या शॉपिंग करवाने आपके पार्टनर आपको ले जाएं या कोई महंगा गिफ्ट दे दें, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए दिन सामान्य है। लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम, ग्रह में बहुत ज़्यादा घर में कलेश और बहुत सारी मानसिक अशांति के साथ में आपकी लव लाइफ की बुरी स्थिति होने वाली है। सबसे ज़्यादा पार्टनर आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में है तो स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। मैरिड लाइफ में झगड़े वाद विवाद बढ़ सकते हैं थर्ड पार्टी की वजह से, जिद की वजह से, कलेश की वजह से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कोई दिन अच्छा नहीं रहेगा। हर प्रकार से आपको ऐसा लगेगा पार्टनर आपके आपको कंट्रोल कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं शोषण कर रहा है। आपके हर तरीके की कहीं ना कहीं बुराई करना, हर बात की बुराई करना, आपके खिलाफ बोलना, उस तरीके की स्थितियां बनेंगी, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आपको कोई आपके जैसा मिलेगा। लव लाइफ में पार्टनर के दोस्त काम बिगाड़ना चाहेंगे, रिश्ता ख़राब करना चाहेंगे, लेकिन दोनों लोग सामंजस्य बनाकर चीज़ों को ठीक करेंगे। हालांकि थोड़ा सा बहस हो सकती है और ईगो वाली एटीट्यूड वाली अगर बात है तो उससे दिक्कत हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट में स्थितियां सामान्य हैं। मैरिड लाइफ में झगड़े वाद विवाद खत्म होंगे और रिश्ता बेहतर बनेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो दिन सामान्य है। लव लाइफ में हर प्रकार की खुशी आपको मिलने वाली है। पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है। एक्स्ट्रा अफेयर की स्थितियां तो कहने ही क्या, हर प्रकार से मंगल ही मंगल है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, सिंगल हैं तो कोई दोस्त बन सकता है। लव लाइफ में झगड़े वाद विवाद खत्म होंगे, रिश्ता बेहतर बनेगा। नो कॉन्टैक्ट में आज थोड़ा सा पार्टनर आपको जलाने का प्रयास करेंगे, आपको डराने का प्रयास करेंगे, जैसे कि वो आपसे अब रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहते, रिश्ता तोड़ना चाहते, उस तरीके की चीज़ें करेंगे, लेकिन वो आपको सिर्फ आजमाना चाहेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति इसलिए बेहतर बन सकती है आज के दिन, अगर आप अपनी परीक्षा में खरे उतरें। मैरिड लाइफ की स्थिति सामान्य है, हालांकि कुछ गलतफहमियां बन रही हैं, उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका दिन बहुत मंगल रहेगा, स्थितियां बहुत अच्छी हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आपको कोई गिफ्ट उपहार देके इम्प्रेस करेगा, लेकिन आप उसके बाद में भी उससे इम्प्रेस नहीं होंगे। लव लाइफ में आज आपके पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा ये देखेंगे कि आप नखरे बहुत दिखा रहे हैं और वो आपके नखरे उठा भी रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप उनको कुछ भी परेशान करने की कोशिश ना करें और अपनी बातों से कम उनका दिल ना दुखाएं। नो कॉन्टैक्ट में स्थितियां बहुत अच्छी हैं। फिर से रियूनियन हो सकता है। मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी खत्म हो सकती है, लेकिन आपका शक खत्म नहीं होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर से आपको बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, स्थितियां बहुत अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो दिन सामान्य है। लव लाइफ में आपके पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा अकड़ेंगे, बहुत गुस्सा दिखाएंगे, बहुत झगड़ा करेंगे और इस वजह से वो आपको ब्लॉक कर देंगे। अकड़ नहीं दिखाइए, आज प्यार से बात कीजिए। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर से आपकी बातचीत होने वाली है। मैरिड लाइफ में पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देगा। आप किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो बार बार उसी चीज़ के लिए जिद करेगा, उसी बात को बार बार मनवाना चाहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कलेश बहुत ज़्यादा होगा और आपके पार्टनर सदा के लिए आपको छोड़ देंगे, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य है। लव लाइफ में खर्चे बहुत ज़्यादा करवाएंगे आप और आपके पार्टनर आपसे बहस बहुत करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में स्थितियां यहां पर बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगी और घर में कलेश का माहौल, आतंक का माहौल, कहीं ना कहीं अपमान और बदनामी की वजह से आप चुप रहें लेकिन सामने वाला चिल्लाता रहे। एक्स्ट्रा अफेयर में स्थितियां बहुत ख़राब हैं। हर प्रकार से मन उदास रहेगा और हो सकता है कि ब्रेकअप भी हो जाए, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की।
धनु राशि वालों सिंगल हैं तो दिन सामान्य रहेगा। लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी है, पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा। मैरिड लाइफ की स्थिति भी बहुत खास बन रही है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं, पार्टनर आपका लव लाइफ में पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, और सिंगल हैं तो आपका कोई लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति थोड़ी सी खराब रहेगी क्योंकि पार्टनर जानबूझकर इग्नोर करेगा, लेकिन फिर पटरी पे आ जाएगी गाड़ी। मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पार्टनर अकड़ दिखाए, लेकिन उसकी अकड़ आप मत देखिएगा, अपनी अकड़ दिखाइएगा तो स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, आपके पार्टनर से आपको प्यार मिलेगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों सिंगल हैं तो मन उदास रहेगा, अकेलापन परेशान करेगा। लव लाइफ में पार्टनर पर अधिक भरोसा करने से बचें, पार्टनर आज छल पट कर सकता है और आपको झूठी उम्मीदें दे करके भी आपको नुकसान करा सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो फिर से रियूनियन करने की, यानी कि मिलने की, या फिर से आपका रिश्ता सुधारने की बात आज ना करें, और पार्टनर को कॉल मैसेज तो बिल्कुल ना करें, अपनी तरफ से कोई प्रयास न करें, चुपचाप बैठें, स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। मैरिड लाइफ में स्थिति सामान्य है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर का बिहेवियर बहुत अजीब होगा, रूड बिहेवियर से बात करेंगे, अकड़ दिखाएंगे और गाली गलौज से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मूड बहुत ऑफ रहेगा आज के दिन, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपका यही सोचने में लग जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे कि किसे अपनाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको इम्प्रेस करेंगे, जो आपके इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे। लव लाइफ में पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप की बात करेगा, इस चीज़ से बचें, ये आपके लिए सही नहीं होगा। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में तो इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी शक की वजह से और बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक बातें करने की वजह से आप पर आरोप लगाएं, आपके कैरेक्टर को जज करें और उससे आपकी पास्ट की चीज़ें निकाल निकाल करके आपको दिखाएं, उस तरीके की स्थितियाँ बनाएंगे जैसे मैरिड लाइफ खराब रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो आप अगर पार्टनर के साथ यात्रा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है आज के दिन, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशि फल। अगर आपको आज का लव राशि फल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।